नगर निगम के 12 कार्यकारिणी सदस्यों में से 6 सदस्यों का सेवानिवृत्त होने के बाद अन्य 6 सदस्यों ने कार्यकारिणी सदस्य बने रहने पर संजय श्रीवास्तव, संजय यादव, शाहब अंसारी, राधेश्याम रावत, ब्रिजेश सिंह छोटू और चंद्रशेखर सिंह का सेवानिवृत्त हुए कार्यकारिणी सदस्यों ने अभिवादन कर उन्हें बधाई दी। कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि एक साल बीत गए हैं लेकिन विकास के नाम पर वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है, तो वहीं कुछ सदस्यों ने कहा कि वार्डों का विकास करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम के कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा, विकास हम लोगों का मुद्दा है और विकास के लिए जहां तक जनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साल भर हम लोगों को गुजर गए लेकिन अभी कोई भी विकास के लिए कोई भी फंड इस सरकार में नहीं मिला है और हम कैबिनेट से लेकर के सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे जनता के लिए और विकास के लिए। विकास का मुद्दा हम लोग हमेशा लड़ते आ रहे हैं। इस बोर्ड बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग तीसरी बार पार्षद हैं और कार्यकारी मेंबर हैं। एक साल बीत गया, एक साल में 6 मेंबर हमारे निकाले गए हैं, जो कि निकाले गए मेंबर या हम लोग वर्तमान में कोई नगर निगम कार्यकारी से कोई हम लोगों का विकास का मुद्दा लड़ते लड़ते हम लोग थक गए, कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज कार्यकारी की बैठक थी जिसमें 12 लोग हम लोग कार्यकारी के सदस्य हैं, जिसमें 6 लोग बाहर हुए हैं, तो लाठी से 6 लोग बाहर हुए हैं लेकिन हम बाहर नहीं हुए, हम कार्यकारी में रहेंगे। गोरखपुर के विकास के लिए जो भी हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। पूज्य योगी जी की अगुवाई में जो भी विकास कार्य होगा हम लोग पूरा करेंगे। मैं चंद्रशेखर सिंह वार्ड नंबर 34 के पार्षद, लगातार 4 बार से पार्षद हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी फिन से दोबारा मुझको कार्यकारिणी में मौका मिला कार्य करने के लिए। मैं महानगर के सारी पार्षदों और जनता को मैं कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं और विकास कार्य में करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। राधेश्याम रावत, भारतीय जनता पार्टी महानगर का उपाध्यक्ष और पार्षद उत्तरी हुमायूंपुर का। हम सभी लोगों का और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए शहर का चौतरफा विकास करने के लिए हम सभी पार्षद 70 पार्षदों के साथ 12 कार्य समिति के कार्यकारी के सदस्यों के साथ शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का संकल्प लेने के साथ हम लोग कार्यकारी की ये बैठक समाप्त हुई है, जिसमें हम सभी लोग मिलकर माननीय महापौर जी के हाथों को मजबूत करते हुए गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रहेगा निश्चित तौर पर। कितने लोग हैं बाकी लोग? अभी तो 3 सपा के हैं और 3 भाजपा के हैं। जय सिंह छोटू, वार्ड नंबर 7, राप्ती नगर। इसमें 12 लोग थे, 12 में 6 निकले हैं, 6 में 3 भाजपा के, 2 सपा और 1 बसपा। अब प्राथमिकता शहर के चौमुखी विकास की प्राथमिकता रहेगी। जितनी भी सड़कें हैं, नालियां हैं, उसका पुनर्निर्माण की योजना है, पैसा आते उसको कराया जाएगा।